हुसैन दीन है और इसका अंदाजा उन्हें खुद भी था। अब मैं एक सवाल करने जा रहा हूं, हजारों सैकड़ों तकरीरें हो चुकी हैं, करबलाए मुअल्ला का हवाकया होने के बाद आज तक और आज से लेके कयामत तक होती रहेंगी, मगर एक सवाल उठाता हूं, अगर उसका मैं भरपूर जवाब दे सकूं तो खात्मा बिल खैर का तलबगार हूं कि आप दुआ फरमाएं। वो ये कि इमाम हुसैन अलैहि सलाम की शहादत के बाद कोई शहीद नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ जो वेरी वेरी नियरेस्ट टू हुसैन, क्लोजर टू हुसैन और हुसैन के बाद इमाम, इतना इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी वो भी शहीद गई हुई, इमाम जैनुल आबिदीन सैयदुस्साजिदीन, वो शहीद नहीं हुए। जबकि हुसैन के बाद इमाम जैनुल आबिदीन के लेवल का अहले बैत में करबला में कोई दूसरा न था। तवज्जो चाहूंगा, जिस इमामत पर जैनुल आबिदीन फाइज थे वो इमामत ना अली अकबर के पास थी, ना वो कासिम के पास थी, ना अब्बास अलम बगदाद शाहदारे वफा के पास थी, जो इमाम जैनुल आबिदीन के पास। तो हुसैन को मारना इमामत की वजह से अगर जरूरी था तो इमाम जैनुल आबिदीन को उसके बाद शहीद करना और भी जरूरी था। लेकिन इमाम हुसैन के बाद किसी का शहीद ना होना सबूत है, दलील है कि अगर इमाम हुसैन और पहले शहीद हो जाते तो सब बच जाते। फिर इमाम हुसैन ने शहादत में ताखीर क्यों की? हुर की जगह खुद बढ़ जाते और इमाम हुसैन शहीद हो जाते तो जैसे इमाम हुसैन की शहादत के बाद वक्त का इमाम शहीद नहीं हुआ, ये बच्चे भी शहीद नहीं होते, ना इमाम हसन का बेटा शहीद होता ना इमाम हुसैन का बेटा शहीद होता। फिर इमाम हुसैन ने गर्दन देने में ताखीर क्यों की? बिल्कुल आखिर में क्यों अपनी गर्दन दी? इसका जवाब, तुमने तो अहले बैत को पहचाना ही नहीं, जैसा सोचते हो वैसा उनको भी समझते हो। अरे पाक की औलाद है, पाक है, पलीत की समझ में कैसे आए? आप गौर फरमाए कि जिन मक्के वालों ने पत्थर बरसाए, राहों में कांटे बिछाए, शाबे अभी तालीम में 2.5 साल तक मुहासरे में रखा, आबो दाना बंद, तेरह साल तक मुसलसल जुल्म व सितम का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला, लेकिन 8 साल के बाद जब मदीने से मक्का नबी करीम लौटे हैं, मक्के की पूरी रिजिम बदल गई, सारे जालिम सारे अत्याचारी सामने खड़े हैं, मगर नबी सब पर रहमत की नजर डाल रहे हैं। वह अंतुम तोलका, जाओ तुम सब आजाद हो, मैंने माफ कर दिया। जालिमों को माफ करने वाली नजर मिजाज, उसी रहमतुल्लिल आलमीन का यह नवासा है जिसका रसूल रऊफुर रहीम है, नहीं चाहते कि कोई बंदा जहन्नम में जाए, उनका नवासा कब चाहेगा? दुश्मन सही मगर ये जहन्नम की तादाद बढ़ी तो मेरा क्या फायदा? मौका दो सुधरने का, मौका दो संभलने का, अपॉर्चुनिटी दो गाइडेंस पाने का। मकसद ये था, यजीदियों तुम किसी को कत्ल ना करो, इसी में तुम्हारी भलाई है,
इसी में तुम्हारी बचत है, फला है। बदल दो अपने इरादे को, बदल दो अपने ख्यालात को। अहले बैत के खून से अपनी तलवारों की प्यास न बुझाओ। खुतबा दिया, समझाया, मौका दिया, लेकिन महसूस हुआ कि ये सब बेशर्मी की इंतहा को पहुंचे हुए जिद्दी, ये कोलाबुल दुनिया भी है, कोलाबुल नार भी। ये दुनिया के कुत्ते जहन्नम के कुत्ते बनना चाहते हैं, मगर फिर भी रहमतुल लिल आलमीन का नवासा, रहमत आलम का परवरदा नजर करदा अपने दुश्मनों को यह भी मौका दे रहा है कि अगर तुम कुछ लोगों को कत्ल करके अपनी तलवार की प्यास को बुझाना चाहते हो तो लो मैं तुम्हें हुर दे रहा हूं, लो मैं तुम्हें वैब दे रहा हूं, लो मैं आवान दे रहा हूं, लो मैं अपने अंसार दे रहा हूं। अगर इससे भी तसल्ली नहीं होती तो लो मैं तुम्हें कासिम बिन हसन दे रहा हूं, अब भी तसल्ली नहीं होती तो लो अली अकबर की जवानी ले लो, अब भी तसल्ली नहीं होती तो अब्बास के बाजू ले लो, अब भी तसल्ली नहीं होती तो अली असगर का खून ले लो, लेकिन मुझ तक जल्दी मत करना। मैं रहमत आलम का नवासा हूँ, रहमत भरी नजर से तुम्हें मोहलत दे रहा हूँ, मुझे मारने में उजलत मत करना। अगर तुम इतने लोगों को शहीद करके रुक जाओ, तायब हो जाओ, तो मैं रहमतुल्लिल आलमीन का नवासा हूँ, बेटा हूँ, मैं महशर में तुम्हारे इन गुनाहों की मगफिरत करवा सकता हूँ, क्योंकि अली अकबर का कातिल कातिले मोमिन है, अब्बास का कातिल कातिले मोमिन है, कातिले हुर कातिले मोमिन है, कातिले अली असगर कातिले मोमिन है। कतले मोमिन शदीद तरीन गुनाह के बावजूद मगफरत मैं करवा सकता हूँ, मुझे मारने में जल्दी न करना। मेरा कत्ल कतले मोमिन नहीं, कतले दीन बन जाएगा और कातिले दीन की मगफरत नहीं। लेकिन जब ये महसूस होने लगा, खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम वाला अबसारिहिम, जब अल्लाह ताला ने उनकी समाअत पर, अबसार पर, बसारत पर पहरा बिठा दिया, मोहर लगा दिया और हुज्जत तमाम हो गई। जितनी मोहलतें देनी थी दी जा चुकी, जितनी मौके फराहिम करने थे हो चुके, जितनी बार जमीर को जगाना था जगा चुके, लेकिन इन मुर्दा दिनों में कस से मस जब कोई नहीं हुआ तब बिल आखिर फैसला वही हुआ। ए नाना जान जो मैंने वादा किया था निभाने जा रहा हूँ, ए पिदरे बुजुर्गवार खैबर शिकन, जिस नीयत से आपने परवरिश की है उस मकसूद की तरफ जा रहा हूँ, ए मादरे मेहरबान खातून जन्नत, जो समझ कर आपने दूध पिलाया था आज उसका हक अदा करने जा रहा हूं। नतीजा क्या हुआ, खेमे में गए, अपने दावालिद का, अपने नाना का कपड़ा लिया, सर पे मामा बांधा और जेबे तन होकर दुलदुल पर बैठकर खानदान को आखिरी सलाम करके मैदान कारजार में हुसैन उतर पड़े। एर लगाई, घोड़े को नाज है कि आज इमाम मेरे ऊपर है, इमाम को नाज है कि घोड़ा भी मेरा वफादार है। चल पड़े, इमाम ने यजीदी लश्कर पर जब हमला किया, वार किया, यजीदियों में इंतशार पैदा हो गया। हैदरी कछार का शेर नर जब बिफर कर ज्यादी भेड़ियों पर हमलावर हुआ तो कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, लाशों का ढेर लगा दिया। भूखा प्यासा हुसैन खाते पीतों को काटता हुआ चला जा रहा है। तलवार चमकी, हवा में लहराई तो ऐसा नहीं लगता था कि हुसैन के तन्हा हाथ में अकेली तलवार है, ऐसा लगता था जैसे आसमान की तमाम बिजलियां तलवार में समा गई हो, ऐसा लगता था कि सितारों ने अपनी जगह छोड़कर जुल्फकार की धार में आ गई हो, ऐसा लगता था कि आदम का हाथ दुआ के लिए
ऐसा लगता था कि नूह की कश्ती अपने नजात का रुख देख रही है, ऐसा लगता था कि दरियाए नील में फिरौन गर्क हो रहा है, यजीदी तबाह हो रहे हैं, ऐसा लगता था जैसे काबे का रुख किबला काबे का रुख काबा की तरफ हो गया हो, एक जगह जमा हुआ काबा मुतहर्रिक काबे को देख रहा है, एक जमा हुआ काबा मुतहर्रिक काबा को देख रहा है। मोहब्बतों का किबला मोहब्बतों का किबला अकीदतों का काबा यजीदियों के मुकाबले में खड़ा तलवार चला रहा है। ऐसा लगता था कि हुसैन के बाजू में हैदर कर्रार का बाजू समा गया हो, ऐसा लगता था जैसे फातिमा जहरा का दूध हुसैन की रगों में नया खून बन गया हो, ऐसा लगता था आप नारा बंद कीजिए, ऐसा लगता था जैसे तमाम जिन्ना इंतजार दे रहे हैं, दादे सुजात दे रहे हैं और इनकी दुआओं में फरिश्तों की आमीन शामिल हो गई हो, ऐसा लगता था कि सदाकत सिमट गई है, ऐसा लगता था कि अदालत ने पकड़ लिया है, ऐसा लगता था कि सियादत ने अपने जलवे दिखा दिए हैं, ऐसा लगता था कि तन्हा हुसैन में जुरते मूसा भी है, इस्तकामत इब्राहिम भी है, इरादा इस्माइल भी है। उस वक्त सामने शैतान था, इस्माइल का इरादा पहाड़ था, इस वक्त यजीदी फौज है, हुसैन का इरादा पहाड़ है। तलवार चलती रही, तलवार चलती रही, कुश्तों के पुश्ते लगते रहे, लाशों के ढेर लगा दिए। अब इस तलवार को रोका कैसे जाए, इस तलवार का रुकना यजीदी नुक्ते नजर से बहुत जरूरी था। ये तलवार रुकेगी तो यजीदी बचेंगे। ज़ादी भेड़ियों को काटते थे जैसे कोई गाजर मूली को काट रहा हो। मैमना पर हमलावर हुआ तो मैमना साफ हो गया, शेर खुदा मैसरे की तरफ रुख करता है, मैसरा साफ हो गया, यजीद के कल्ब पर हमला करता है, लश्कर का कल्ब साफ हो जाता है। अब हमारे परेशानी इब्ने साद इब्ने जियाद परेशान हो गए, शिमर ज़िलजौशन हैरान हो गया, खोली मायूस हो गया, या अल्लाह ये क्या हो रहा है, एक ही आदमी सबकी गर्दनें काटता चला जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि एक तारीख ऐसी बन जाए कि 20,000 के लश्करे जर्रार को तन्हा एक आदमी ने शिकस्त दे दिया। इस तलवार को रुकना चाहिए, ये तलवार रुकनी चाहिए, मगर इस तलवार को रोका कैसे जाए। वो तलवार जिसे भूख ना रोक सकी, वो तलवार जिसे प्यास ना रोक सकी, वो तलवार जिसे लाशें ना रोक सकी, वो तलवार जिसे ज़ैनब व सकीना के मारिज़े खतर में आ जाने का अंदेशा ना रोक सका, वो तलवार जिसे अली अकबर की लूटी हुई जवानी ना रोके, वो तलवार जिसे लूटा हुआ कासिम का शबाब ना रोके, वो तलवार जिसे अब्बास अलम बरदार के कटे हुए बाजू ना रोके, वो तलवार जिसे मासूम और शीरखोर बच्चा अली असगर की मौत ना रोक सके, के उस तलवार को कोई रोक नहीं सकता। जमीन भी ताईद में है, आसमान भी हिमायत में है, फिजा भी मददगार है, इस तलवार को कोई रोक नहीं सकता। वो तलवार जो भूख से न रुके, प्यास से न रुके, कत्ल से न रुके, खेमों में लाशें ले जाने से न रुके, अचानक वो तलवार रुक गई। वो तलवार रुक गई, बस यही नाजुक सा मोड़ है, वो तलवार रुक गई, भूख से नहीं, प्यास से नहीं, शहीदों की शहादत से नहीं, बहु बेटियों और बहनों के खतरे में जाने के अंदेशे से नहीं रुकी। वो तलवार इसलिए रुक गई कि नमाज का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया, उतर पड़े जख्मी, तीरों से बदन छल्ली, नेजों की मार, अली का एक शेर इन जंगली कुत्तों में घिर गया। आप जानते हैं वाकई एक शेर हो उसको 2,000 कुत्ते घेर ले तो किन किन कुत्तों को मारे,
زخموں سے چور، ہر بدن کے ہر حصے سے لہو۔ یہ کیسا وضو ہے میرے امام؟ اللہ، ہمارے لیے، امت کو بچانے کے لیے رسول پاک نے پیٹ میں پتھر باندھ کے جو امت بنائی تھی اس کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی۔ یا اللہ، یا اللہ، زمین پر گرے سجدے میں یزیدیوں نے سوچا بس یہی موقع ہے، اگر یہ اٹھے گا شیر تو پھر مارے گا، اسے اٹھنے نہ دو۔ شقی القلب پتھر دلوں نے نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے بھی نبی کے نواسے کو، نبی کی جان کو، نبی کی پہچان کو، نبی کے بیٹے کو، نبی کی نسل کو، نبی کی اولاد کو، نبی کے نور کو سجدی کی حالت میں ایسا وار کیا۔ سر مبارک تنے مبارک سے جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کٹ گیا گردن، کٹ گئی سنی مسلمانوں، گردن کٹ گئی۔ کون سی گردن؟ جس کو تمہارا ہمارا نبی چوما کرتا تھا، کٹ گئی۔ کعبے کے ایک پتھر کو میرے نبی نے ایک بار چوما، حجرِ اسود کو قیامت تک لوگ چومائیں گے، مگر حسین کے گلے کو تو نبی نے بار بار چوما تھا، بار بار چوما تھا۔ تم کہتے ہو حسین کا گلا کٹا، حسین کا گلا کٹا، میری دل سے پوچھ، بوسا گاہ مصطفیٰ کٹ گئی، بوسا گاہ رسول کو کاٹ دیا۔ میں ایک مرتبہ بیمار پڑا تھا برطانیہ میں، میری ماں کا خط آیا، بیٹا تمہاری کیسی طبیعت ہے، مجھے بڑا ترجیح ہوا۔ میری ماں کی چوچا شریف میں، وہ انگلینڈ میں، ان کو محسوس کیسے ہوا تو کسی نے سمجھایا یہ ممتا ہے، یہ خون کا رشتہ ہے۔ تو بیمار پڑ گیا تھا سر سمندر پار، خون کے رشتے نے ماں کے دل میں احساس ڈالا۔ ارے جب ماں بیٹے میں احساس کا یہ رشتہ ہوتا ہے تو جب حسین کا گلا کٹا ہوگا تو لب مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں جو بیہقی میں ہے، مشکات میں ہے، ام المومنین ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں شیشہ ہے۔ پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے بیٹے حسین اور کربلا کے شہیدوں کا خون میں صبح سے اس میں جمع کر رہا ہوں۔ رسول مبارک کی ریشی مبارک پر غبار بالوں میں بکھرا ہوں، ہاتھ میں شہدائے کربلا کا لہو۔ کتنا دل دکھ گیا ہوگا رسول پاک کا۔ سر کٹا، کیسے بولوں، نہیں کہہ پا رہا ہوں۔ کسی اور گھر کا واقعہ ہوتا تو میں تفصیل سے بیان کرتا،
یہ غم تو میرے اپنے خاندان کا غم ہے, یہ تو اہل بیت کی آزمائش کا. بس یوں سمجھو کہ نیزے پہ اس سر کو اٹھایا ظالموں نے. ارے نیزے پہ اٹھانے کا مطلب کچھ سمجھ میں آیا؟ گردن کٹ گئی, نیزے کو رکھا گا اس گلی میں جس سے رسول پاک کا لعاب دہن گزرا تھا, وہ گلا جس سے خاتون جنت کا جنتی دودھ گزرا تھا, جس پر علی مرتضی کے دیے ہوئے لقمے گزرے تھے, امام علی مقام کے گلے میں وہ گلا کٹا ہوا دیکھا ہوگا نا, جب گلا کٹتا ہے تو ایک اسی میں ڈال دیا. ارے جسے نبی چومتے تھے اس پہ تم نے نوکے نیزا یزیدیو, تم نے کل بھی حسین کو ستایا تھا آج بھی ستا رہے ہو, فرق یہ ہے کہ کل نوکے نیزا سے تکلیف پہنچائی تھی, آج اپنی تقریروں میں نوکے زبان سے تکلیف پہنچا رہے ہو, نوکے قلم سے تکلیف پہنچا رہے ہو. یاد رکھو حسین نے امت کو اسی لیے بچایا ہے کہ ساری زندگی امت حسین پر قربان ہوتی رہے گی, حسین پر ہم اپنی جان دیتے رہیں گے. نیزے پہ اٹھا لیا, یہ تو ہندوستان کا کوئی اتیاچاری بھی نہیں کرتا, نیزے پہ اٹھا لیا, حسین کے سر مبارک کو لو کے نیزا پہ رکھ کر اٹھا دیا, جلوس نکالا, لو کے نیزا پہ بلند کر دیا امام کا سر, اور وہی سے میرا امام اپنے غلاموں کو آخری درس دے رہا ہے. اے میرے غلاموں دیکھو, یزیدیوں کی بھیڑ میں, یزیدیوں کے لشکر میں تیرا امام کا سر اوپر ہے, تیرے امام کا سر اوپر ہے, تیرے امام کا سر بلند ہے, یعنی جن کا سر کٹا نہیں ان کا سر نیچے ہے, جس کا کٹ گیا وہ سر بلند ہے. تبھی تو غریب نواز نے کہا سردار ندار دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ حسین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, صلوات اللہ علیکا, یا حبیبی یا رسول اللہ, دکھ بھرے نالوں کا صدقہ, ناز کے پالوں کا صدقہ, کربلا والوں کا صدقہ, اور بھیک دو لالوں کا صدقہ. یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, صلوات اللہ علیکا, یا حبیبی یا رسول اللہ, اے میرے
मौला के प्यारे, नूर की आँखों के तारे, अब किसे सही पुकारे, हम तुम्हारे तुम हमारे, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैक या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैक या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैक या हबीब अल्लाह, वला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। हजरत, 8 मार्च को इसी सिमनान गार्डन जो कैंबल रोड से आगे है, ख्वाजा प्रॉपर्टी के पास,